फ्रेंड्स, चलिए आज मेरे आंगन की सैर करते हैं। ये हम लोग मेरे किचन के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। इसको छोटे छोटे लाल लाल फूल आते हैं, ये मनी प्लांट। मैंने सोचा अब धूप के दिन हैं तो आंगन की रौनक अलग होती है, और बारिश में तो सब तरफ हरियाली फैल जाती है ना, बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी का दिखाऊं और फिर बाद में कभी दिखाऊं। ये पुदीना जो मैं हमेशा बिरयानियों में यूज करती हूँ ना, मैं यहीं से लेती हूँ। ये गमला खाली है, इसमें का पुदीना खत्म होने के बाद में मैं इसमें लगाऊंगी। ये दूसरा भी पुदीना ही है। और ये लाइन में छोटे छोटे गुलाब के पौधे हैं। देखिए ये धूप की वजह से ये सूख गया है, शेवंती का है ये। जब इस पर बहार आती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये लाल शेवंती है। ये जामुन के पेड़ है, अभी फल आए हैं इसे, एक साथ दो है। वो जो छोटा कूलर है वो मेरे बच्चों का कमरा है। ये लिली है और इसके अंदर ये देखिए ये जाम लगा है, और ये पहला फल है इस पौधे का। देखिए आप देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, इसे पहला फल आया है। और ये जो इसके अंदर है, शायद इसे अन्नपूर्णा का पौधा कहते हैं। ये इसमें चावल, जो अपने बासमती चावल होते हैं ना, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। बिरयानी में जो हम मसाले के पत्ते डालते हैं ना, वैसे तड़के में इसको भी यूज किया जाता है। इसको पर्पल कलर के फूल आते हैं, शायद इसे देव अंबाड़ा बोलते हैं। ये नींबू का छोटा सा पौधा है। धूप बहुत ज्यादा है। ये गमले में मैंने गुलाब के पौधे लगाए हैं, सब बाहर सूख गई है। ये भी शेवंती है। ये जरबेरा है। ये मेरी डॉगी है मोनी, उसका एक छोटा सा बेबी है। ये आम का पेड़ है, इसको पहली बहार आई थी। बहुत मीठे आम है इसके। ये गुलाब के पौधे हैं, इसे गुलाब अभी नहीं आए हैं, बाहर खत्म हो गई है। ये अबूली है। ये काकड़ा है, इसकी बाहर चली गई। मोगरा,
अंजीर का पौधा है, अभी छोटा है। ये भी आम का है, ये अंगूर की बेल है, चिड़ियों के लिए पानी का मैंने छोटा सा तालाब बनाया है। अभी काफी इसमें पत्ते गिर गए हैं। ये मेरा दूसरा डॉगी गुब्बू, कितनी अच्छी छांव है ना। बाहर धूप बहुत ज्यादा है और ये पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव है। ये चीकू का पेड़ है, इसे एक ही चीकू आया है। वही पौधे जहां से अपनी खुद जड़ निकलकर बाहर आ जाते हैं। ये मेहंदी है, बाउंड्री की है मैंने। इसमें पुदीना लगाया था, सूख गया है। अभी धूप के दिन चल रहे हैं ना, इसीलिए मेरे काफी गमले खाली हैं। एक कड़ी पत्ता, इस पर शायद शहद लगा है। हाँ है, कितना सारा शहद लगा है ना। ये जख्मी हयात का पत्ता है, ये भी वही है। यहाँ पे हम मुर्गियां रखते हैं, अभी तो खाली है। आ आ आ आ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये केले के पौधे, इसके पत्ते में इडली डोसा खाना बहुत हेल्दी होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए ये पौधे लगाए हैं। ये मेरी किचन की विंडो है, सीताफल के पौधे हैं, छोटे हैं अभी। ये गिलोई की बेल है, ये खुद ब खुद आई है। ये भी आम का छोटा सा पेड़ है, ये पेरू है। बहुत पेरू आते हैं और पेरू को खाने के लिए पैरोट आते हैं। पैरोट आएंगे तो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। काफी नजदीक तक आते हैं। ये मेरा पारंपरिक तंदूर है, अभी बंद है। पेरू गिर गए हैं नीचे। ये सीताफल का है, सीताफल को बाहर आई है। ये मनी प्लांट है, ये आमले का है, इसे मैं कर्नाटक से लाकर लगाई हूँ। बहुत ज्यादा धूप है, इसे अभी फल नहीं आए हैं। यहाँ से फिर से मेरे घर के पीछे की बाउंड्री चालू हो जाएगी। ये रात रानी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है रात के टाइम में जब फूल खिलते हैं। मुर्गियाँ यहाँ पर हैं। ये कड़ी पत्ता, मैंने यहाँ भी एक छोटा सा तालाब बनाया है। सब इसमें पत्ते गिर गए हैं, सफाई करवानी पड़ेगी।
अनार का है, इसको अभी फल नहीं आए हैं, खत्म हो गए हैं फल। यहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, हमेशा छांव रहती है यहाँ पे, जामुन का, आम का और दूसरे बहुत सारे पेड़ हैं, नीम के। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा पौधे नहीं लगाई हूँ। ये बेल, ये मौसम्बी का पेड़ है, बहुत मौसम्बी आते हैं, पूरा पेड़ भर जाता है, पूरा नीचे झुक जाता है, आप देख सकते हैं अभी भी पूरे पेड़ भर कर मौसम्बी है। ये मोगरे का है, ये आमले का है, इस साल बहुत बहार आई थी इसे, अभी तो पत्ते भी झड़ गए हैं। वापिस से मेरे घर की सामने की बाउंड्री शुरू हो गई, ये चबा कुसुम है ऑरेंज कलर का, यहाँ पर मैंने वापिस से रात रानी लगाई है। ये गमले मेरे गुलाब के, यहाँ भी मैंने थोड़े से गुलाब लगा के रखे थे, काफ़ी सारे जल गए हैं, अभी बारिश में मैं दोबारा से लगाऊंगी। वैसे ये 5-6 साल पुराने हैं, ये देखिए ये पौधा कितना अच्छा लग रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक आया है, गमले से शुरू होकर लगभग 11 फीट उतना हुआ है। और ये नारियल को पहली बार बाहर आई है, 8 साल का ट्री है ये, इसको पहली बार बाहर आई है। चलिए अब हम लोग मेरे घर के फ्रंट डोर पर आ गए हैं, ये सीढ़ियों से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये मैंने दोनों साइड सेम पौधे लगाए हैं गमले में ताकि अच्छा दिखे, इसके अपोजिट में वही है। यहाँ मैंने सफ़ेद गुलाब के पौधे लगाए हैं, चलिए घर के बाहर जाएंगे। ये घर के बाहर आ गए हम लोग, धूप बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन चमक रही है। चलिए मैं जो किचन गार्डन के लिए लगाती हूँ वहाँ जाएंगे। ये मेरे घर की बाउंड्री है, इसके अपोज में मैं यहाँ पर सब्जियाँ लगाती हूँ। ये इमली का है, अभी से इमली आई नहीं है। ये करवंद का है, बाहर आई है इसको।
देखिए कितने सारे फूल आए हैं। यहाँ दोबारा से मौसम्बी का है, ये तो फल को हाथ से ही पकड़ सकते हैं। नीचे है यहाँ मैंने गन्ना उगाया है। ये नींबू का पौधा है, देखिए बहुत सारे नींबू आते हैं। ये बड़े साइज का नींबू है, काफी बड़े साइज का। जो हम लोग टेनिस बॉल खेलते हैं ना, उतने साइज का होता है ये नींबू। हल्का मीठा भी होता है। ये बैंगन के पौधे हैं, सब सूख गए हैं, येलो येलो हो गए हैं। धूप की वजह से मैंने इसे देखा नहीं है, अभी इसे निकाल देंगे। ये फ्रेश बैंगन है, देखिए बैंगन यहाँ पे है भी। ये एलोवेरा, पत्ता गोभी भी उगाया है मैंने, आप देख सकते हैं। थोड़ा यूज किया है, थोड़े बाकी हैं। ये ककड़ी की बेल है, इसको ककड़ी आए नहीं है अभी। टमाटर, हरी मिर्च, ये झेंडू के फूल के पौधे हैं। ये एप्पल बेर है, पूरा सूख गया है, बारिश के बाद बाहर आएगी इसमें। ये अनार के पौधे हैं। ये नींबू आप देख सकते हैं, नींबू कितने सारे आए हैं। ये लेमन ग्रास है, इसकी चाय बना के पी जाती है। ये ड्रमस्टिक है, पूरी सूख गए हैं। उसी के पास में रामफल का है। चलिए वापस घर चलते हैं। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।